दोस्तों, अगर आपको भी क्रिकेट का खेल खेल भावना से खेलना अच्छा लगता है तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका तीसरा टेस्ट मुकाबला चल रहा है और इसमें घटना खेल भावना के विपरीत हुई। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं ऐसी कौन सी घटना हुई जिससे क्रिकेट को बहुत बड़ी ठेस पहुंची है। लेकिन इससे पहले भारत के ऐसे खिलाड़ी का नाम बताइए जो सबसे ज्यादा स्लेजिंग करता हो। अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के साथ केप टाउन के स्टेडियम पर तीसरा और निर्णायक मुकाबला खेला है और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। तो वहीं भारतीय टीम के बल्लेबाज बल्लेबाजी करने उतरे और शानदार तरीके से बल्लेबाजी की, जिसमें विराट कोहली ने अपना 28वां अर्धशतक जड़कर 79 रन बनाए और पुजारा ने 43 रन और साथ ही साथ ऋषभ पंत ने 28 रन बनाए, जिसकी बदौलत भारतीय टीम ने 223 रन बनाए थे। तो वहीं इसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी और पीटरसन के 72 रन की बदौलत साउथ अफ्रीका की टीम 210 रन पर ही ऑल आउट हो गई और इसमें सबसे बड़ा योगदान जसप्रीत बुमराह का रहा, जिन्होंने 4 विकेट हासिल किए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए जब भारतीय टीम दूसरी पारी में आई तो दूसरे दिन के अंत तक 57 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए थे और तीसरे दिन भारतीय टीम ने 198 रन बना दिए हैं और विपक्षी टीम को 212 रन का टारगेट दिया है और इस टारगेट में सबसे ज्यादा योगदान ऋषभ पंत का रहा, क्योंकि ऋषभ पंत ने 140 गेंद पर 100 रन नाबाद 6 चौके और 4 छक्के की मदद से बनाए हैं और विपक्षी टीम में मार्को जैनसन ने 4 तो वहीं रबाडा और लुंगी एनगड़ी ने 3-3 विकेट हासिल किए। लेकिन जब साउथ अफ्रीका की टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो तीसरे दिन के अंत तक साउथ अफ्रीका की टीम ने 101 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए। तो वहीं एक चौंकाने वाली घटना भी घटित हुई, वो घटना दिन के आखिरी ओवर में घटित हुई, जिसे कराने जसप्रीत बुमराह और उन्होंने ओवर की चौथी गेंद डाली तो उस गेंद पर एल्गर 30 रन बनाकर पंत को अपना कैच थमा बैठे, लेकिन अंपायर के फैसले के अनुसार डीन एल्गर नॉट आउट थे और भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली गुस्से में DRS का उपयोग किए और अंपायर के फैसले को बदलवा दिया और स्टंप की तरफ जाते हुए टेक्नोलॉजी ध्यान में रखते हुए लोकल ब्रॉडकास्टर से टेक्नोलॉजी को सही करने की मांग की। तो वहीं इस पर भारतीय दिग्गज वीरेंद्र सहवाग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की ये बहुत बड़ी गलती शायद किसी एक टीम के फैसले पर भी पड़ सकती थी, क्योंकि आज का क्रिकेट उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां एक क्रिकेट विकेट का फर्क सीधे मैच के फैसले पर पड़ जाता है और मैच का रुख 5 मिनट में ही बदल सकता है और भारतीय और साउथ अफ्रीका के प्रत्येक मुकाबला बेहद ही खतरनाक रहा है और ये तीसरा मुकाबला उस स्तर पर पहुंच गया है जहां से मैच का नतीजा साफ होने लगा था। लेकिन टेक्नोलॉजी की इस गलती का खामियाजा भारतीय टीम को भुगतना पड़ता, लेकिन सही समय पर भारतीय टीम ने DRS लेकर इस फैसले को बदलवाया और कप्तान डीन एल्गर को पवेलियन की तरफ भेज दिया। और मेरी ICC और सभी क्रिकेट बोर्ड से अपील है कि ICC से इस बारे में बात करें, क्योंकि ये तो एकमात्र छोटी सी टेस्ट श्रृंखला है और यहाँ तो ये टेक्नोलॉजी की गड़बड़ी चल जाएगी, लेकिन अगर यही गड़बड़ी किसी बड़े मुकाबले जैसे वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी या टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में देखने को मिलती है तो ये किसी भी टीम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपके हिसाब से भारत का कौन सा खिलाड़ी खेल भावना के विपरीत खेलता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को।